देखिए व्याकरण में संख्यावाचक विशेषण होता है, तो इस वीडियो में संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हैं और एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए संख्यावाचक, संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर, और वाचक जो दिखाता है, डायरेक्ट करता है। तो ऐसा विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो संख्या को डिनोट करता है, संख्या को बताता है, उसको हम बोलते हैं संख्यावाचक, चाहे वो निश्चित संख्या बताए या अनिश्चित संख्या बताए, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। मतलब जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, ज्ञान कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इंग्लिश में संख्यावाचक विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब होता है एन एडजेक्टिव दैट स्टेट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। एग्जांपल है सम, फ्यू, मेनी, ऑल, नो, सेवरल, एनी, मोर, मोस्ट, हाउ मच, हाउ मेनी, इटीसी। मतलब ये सब संख्यावाचक विशेषण है जो कि संख्या का बोध कराता है। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे फ्यू डॉग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, मतलब कुछ कुत्ते अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखिए फ्यू जो है, फ्यू का मतलब कुछ, संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्या को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दूसरा एग्जांपल है देयर आर ओनली 12 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल, मतलब हमारे विद्यालय में केवल 12 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 कक्षाएं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। मतलब इन शॉर्ट जिस विशेषण, जिस एडजेक्टिव से संख्या का पता चले, उसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1 से लेकर के 100 तक गिनती, या गिनती जितनी भी हो, वो सब विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक, और इसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपने संख्यावाचक विशेषण को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।